लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करते करते अब पुलिस महकमा भी कोरोना की चपेट में है। पिछले एक हफ्ते के अंदर नैनीताल जिले में 5 दरोगा, 6 कांस्टेबल, 1 हेड कांस्टेबल और 1 बार-बार कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिससे पुलिस विभाग में हड़कंप मचा है। एसएसपी सुनील कुमार मीणा ने बताया कि सभी पुलिसकर्मियों का उपचार चल रहा है और उनके संपर्क में आए पुलिसकर्मियों को क्वारंटीन किया गया है। इसके अलावा सभी फील्ड स्टाफ और पुलिसकर्मियों को निर्देश दिए गए कि पूरी तरह एहतियात बरतते हुए ड्यूटी करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर मास्क लगाएं और लोगों को भी इसके प्रति जागरूक करें। उन्होंने कहा कि जल्द ही सभी पुलिसकर्मी स्वस्थ होकर फिर से लोगों के बीच में सेवा के लिए उपलब्ध रहेंगे। देखिए, हमारे यहाँ पे पुलिस लगातार फील्ड में काम कर रही है और लोगों के संपर्क में आती है। इसी दौरान हमारे 6 हमारे कांस्टेबल्स, 5 सब इंस्पेक्टर, 1 बार्बर और 1 हेड कांस्टेबल हमारा कोरोना पॉजिटिव आया है। इनका ट्रीटमेंट चल रहा है और शीघ्र ही हम उनके स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। बाकी सभी जगह हमने ये सभी थानों को बता दिया गया है, भविष्य में सुरक्षित रहें, सावधान रहें, फेस मास्क, फेस शील्ड का लगातार प्रयोग करें, किसी तरह की लापरवाही ना बरतें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन खुद भी करें और ड्यूटी भी परफॉर्म करते समय दूसरे लोगों से भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने के लिए कहें। जो भी संपर्क में आता है, जो भी अगर किसी को लगता है कि थोड़ी तबीयत खराब है, हम लोग उनको तत्काल मेडिकल करवा रहे हैं। हमने पुलिस लाइन, थाना लालकुआ और सभी जगह पर हम बड़ी संख्या में टेस्टिंग अभी करवा रहे हैं सभी पुलिसकर्मियों की। उसके बाद में जो मेडिकल है, जो टेस्टिंग नहीं हो पा रही है, उनका हम बेसिक मेडिकल करवा रहे हैं। सर, इसके अलावा जो कुछ जगह संपर्क में आए, क्वारंटीन हुए हैं पुलिसकर्मी, उनकी जगह में दूसरे पुलिसकर्मी भेजे गए? देखिए, कुछ जगह जहाँ टेस्टिंग हुई है, उनको जब तक टेस्ट का रिजल्ट आता है तब तक के लिए उनको आइसोलेशन में भेजा गया है, तो उनकी जगह हमने लाइन से और दूसरी हमारे जो ब्रांचेज है वहाँ से पुलिसकर्मियों की नियुक्ति की है। जैसे ही वो लोग नेगेटिव आ जाएंगे, अपनी अपनी ड्यूटी पे सभी लोग वापस आ जाएंगे। गौरतलब है कि नैनीताल जिले के लालकुआं कोतवाली में 3 दरोगा पॉजिटिव आ चुके हैं। इस तरह हल्द्वानी और नैनीताल में भी पुलिसकर्मियों के संक्रमित होने का मामला सामने आया, जिसके बाद एसएसपी सुनील कुमार मीणा ने जिले भर के पुलिसकर्मियों को विशेष एहतियात बरतने के निर्देश दिए। पंजाब केसरी टीवी के लिए नैनीताल से तारा जोशी की रिपोर्ट।